नमस्कार, एग्री मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 18 दिसंबर, कल के सेशन में हमने पूरे ही एग्रीडेस में एक गिरावट भरा दिन देखा। हमने देखा एग्रीडेस पे भी दबाव बना हुआ था, जिस दिन से एडिबल ऑयल पैक के अंदर तेजी के बाद थोड़ा बहुत पुल बैक आते हुए देखा, और सोयाबीन में हमने 1% से ज्यादा की गिरावट आती हुई देखी। हायर लेवल्स पे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हिट होता हुआ दिखाई दिया, जबकि रिफाइंड सोया ऑयल में 0.5% की रिकवरी और सीपीओ में भी रिकवरी दिखाई दी, जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि आगे जाकर भी ऑयल कॉम्प्लेक्स अभी भी तेज रहेगा। मस्टर की बात करें, मस्टर में एक प्रॉफिट बुकिंग थी, 2.5% की गिरावट हमने आते हुए देखी है, जबकि ऑलरेडी हमने क्रॉप साइज का इम्पैक्ट प्राइजेस में बनते हुए देखा है। और जिस ढंग से तेल के भाव तेज हो रहे हैं, ज्यादा बड़ी मंदी नहीं दिखाई दे रही है। प्राइजेस साइकोलॉजिकली 5200 के ऊपर होल्ड होता हुआ दिखाई देता है, तो लोअर लेवल पे बार बार में बाइंग आती हुई दिखाई देगी। कैस्टर में हमने 0.5% की गिरावट आते हुए देखी, हल्दी में हमने सुस्त कारोबार देखा, जीरे में 2% की गिरावट आते हुए देखी हमने, धनिया लोअर लेवल से रिकवर करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है, जबकि चने में हमने 1% से ज्यादा की गिरावट आते हुए देखी। जिस ढंग से नेफेड ने सेलिंग की जो बातें आई है उसकी वजह से प्रेशर बनाया, क्योंकि नया माल आने से पहले ऑफलोडिंग होना बहुत जरूरी है। तो चने में, जैसे हमने पहले भी कहा था कि मार्केट में अगर उछाल आ भी जाता है तो हर उछाले पे हमें बेचना है, नो डाउट बड़ी गिरावट के बाद मार्केट अभी 4650 से 4850 का एक दायरे में ट्रेड करेगा, बट कोई बड़ी तेजी मत रखिए, क्योंकि 5000 के नीचे काउंटर एज ऑफ नाउ थोड़ा वीक दिखा रहा है। बट डाउनसाइड भी रेस्ट्रिक्टेड इसलिए क्योंकि इस बार सोइंग डिले हुई है, और सोइंग डिले के चलते इस बार हार्वेस्टिंग भी जो होगी वो डिले होगी, तो प्राइजेस में थोड़ा बहुत मोमेंटम बना रहेगा एक रेंज के हिसाब से। कल एकाएक हमने कॉटन सीड ऑयल केक में भी 3% की गिरावट आती हुई देखी, जबकि 2040 के ऊपर काउंटर स्ट्रॉन्ग ही दिखा रहा है। 2120 का इमीडिएट रेजिस्टेंट था, 2100 के करीब जाने के बाद प्राइजेस में एक पुल बैक आया है। फंडामेंटल अभी भी तेज है, लोअर लेवल पे हमको लेके ही काम करना है। गवार सीड गवार गम में भी हायर लेवल से हमने एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी, जहां 0.5% की गिरावट हमने गवार सीड में, और गवार गम के अंदर भी हमने करीबन 0.25% से ज्यादा की गिरावट आती हुई देखी है। आज के सेशन की बात करें तो आज शुक्रवार है, जो कमोडिटी में बड़ी गिरावट है उसमें प्रॉफिट बुकिंग या हम शॉर्ट कवरिंग बोल सकते हैं। तो कल सोयाबीन में हमने जिस दिन से एक ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग देख चुके हैं, इंटरनेशनल फैक्टर को देखते हुए हमें लगता है कि सोयाबीन में तेजी का ही रुख रहेगा। इंटरनेशनल में भी हमने देखा 1211 के ऊपर सोयाबीन निकल चुका है, सोयाबीन मील भी 400 का लेवल ब्रीच कर चुका है, सोया ऑयल भी 40 के ऊपर आ चुका है, जो कहीं ना कहीं पूरे ही एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में आज तेजी का रूप रखेगा। तो सोयाबीन लेके चलना है, 4440 का इमीडिएट हर्डल वो तोड़ता है तो हम 4520 तक का लेवल देख पाएंगे। रिफाइंड सोया ऑयल में 1100 के ऊपर काउंटर काफी स्ट्रांग है, जो 1120 से 1135 तक का लेवल दिखा सकता है। मस्टर्ड सुस्त रहेगा, 5250 से लेके 5450 के दायरे में रहेगा, कल की गिरावट के बाद आज उभरता हुआ दिखाई दे सकता है। कैस्टर 4400 से 4500 के बीच में ट्रेड करेगा, हल्दी रेंज बाउंड रहेगी, जीरे में कल की गिरावट के बाद आज भी गिरावट कंटिन्यू रह सकती है, अगर 13000 का लेवल अगर तोड़ दिया तो 12700 का सपोर्ट दिखाई दे रहा है। धनिया 5750 से लेकर 6150 का दायरे में रहेंगे, कल की शॉर्ट कवरिंग के बाद प्राइजेस ने 6000 का लेवल तोड़ा नहीं इसलिए दबाव है, जो आज का सपोर्ट 5700 का रहेगा। चने में बिकवाली है, जबकि कॉटन सीड ऑयल केक में आज हाजिर मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए तेजी का रुख रहेगा, जो 2020 के स्टॉपर से लिया जा सकता है 2090 से लेकर 2120 के टारगेट के लिए। गवार सीड गवार गम में आज शुक्रवार होने की वजह से लोअर लेवल पे बाइंग आते हुए दिखाई देंगे। सीपीओ में 920 के ऊपर पहले भी हमने बताया तेजी है, जो 940 से 956 का लेवल सीपीओ में, और कॉटन बिल्कुल तेजी करके चलिए, इंटरनेशनल में 77 सेंट के ऊपर आ चुका है, 20800 से लेके 21500 तक के भी लेवल अगले हफ्ते में हम देख पाएंगे। एग्रीडेक्स में मार्केट 1140 से 1170 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। कैस्टर की अगर बात करें तो मार्केट 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, जो एक मंदी का संकेत देता है, तो मे बी पॉसिबल 4400 तक का लेवल एक बार देखने मिल जाए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। धन्यवाद।